तो इनर गेट की भी हेल्प करते हैं जब आउटर गेट को ज्यादा बिजी होता है फिर हमें बताया जाता है कि जो टांग सेक्ट है वो इनर और आउटर गेट्स में डिवाइड किया जाता है जो आउटर गेट है वो नो लेवल में डिवाइड किए जाते हैं और जितने भी आउटर डिसिप्लिन से नाइन तक नाम दिया जाता है और रही बात इनर गेट की तो वो पांच होल्स में डिवाइड किया जाता है उनमें से भी पावर होल स्पीड होल डिफेंस होल इन्फोर्समेंट होल और फाइनली एल्डर होल होता है फिर ऐसे वुल अपने जो कम्प्लीटेड टास्क होता है उसे बताता है एक तरीके से हैंड करता है

मेटल रिफाइनमेंट फर्स्ट ग्रेड तुम्हें सिक्स हंड्रेड कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं अब तुम्हारे पास एट थाउजेंड फोर हंड्रेड्रेड सिक्स ईयर ओल्ड ड्रैगन टेंडन को खरीद लेता है ईयर ओल्ड सी ड्रैगन मैरो को यूज कर लेता है मतलब एक्सचेंज कर लेता है अब टांग को सिर्फ बुलजेंड ईयर स्पीड आइटम्स चाहिए थे अपनी सेकंड सोल मतलब सील को तोड़ने के लिए टांग बुलिन को यह विश्वास था कि अगर वो अपनी सेकंड सील को तोड़ देगा तो उसकी मार्शल सोल काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव कर जाएगी फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कॉन्ग्रेचुलेन टांग बुलिन तुमने टोटल फिफ्टीन थाउजेंड

हार्ड वर्क कर रही है लेवल थर्टी तक पहुंचने के लिए लेवल थर्टी इंपोर्टेंट होता है मास्टर के लिए जब तुम लेवल थर्टी तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें साउल रिंग ही नहीं मिलती है साथ में एक और स्पिरिट साउल मिलती है जिसे बोलते तुम अभी भी उस टास्क की बात नहीं कर रहे हो बुलंद बोलते तुम वो बात कर रहे हो लाइक शर्क सिटी में जाना बाद में डिस्कस करते है इसको जिसे बोल रहा होता है अगर पॉसिबल होगा तो हम जाएंगे और वहां पे रुकेंगे और वापिस नहीं आएंगे बुलन बोल रहा होता है हाँ ये अच्छा है पर इंपॉसिबल भी है हम बताए जाते हैं कि तीन साल पहले जो हुआ था वो चौंक्यान को ज्यादा फेमस हो गया था

ओल्ड हो गए हैं मतलब तेरह साल के हो गए हैं अगर वो अभी नहीं जाएंगे तो उनके पास द्वारा कभी चांस नहीं मिलेगा मैंने और नहीं तक वो पहुंच सकते हैं बोलता है ये बैटल आर्मर मास्टर्स बनेंगे। ये और बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ एक फाइनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे फ्यूचर में जब वो बैटल आर्मर मास्टर्स बन जाएंगे मैं ये होप करता हूँ कि वो वापस आए और ये जो बच्चे हैं डोंगा अकेडमी के इन्हें लेक्चर

कम है ये सिर्फ टू हंड्रेड ही है वुलिन बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा शांति है गुय जाओ चेक करो गुयू ऐसे फिर अपने विंड एलिमेंट को यूज करती है सराउंडिंग को चेक करने के लिए जिसी बोलते क्या तुमने कुछ फाइंड किया गुय बोलती है कि हमारे लेफ्ट में फ्लेम लाइंस हैं पंद्रह है टोटल वहाँ पे जिसी बोलते है क्या बुलिन बोलते है अच्छा ठीक है गुयू बोल रही होती क्या हम वहाँ पे जाए बुलिन बोलता है कि नहीं चलो अभी के लिए सेफ रहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं जिजी बोलते वेट कैप्टन अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर प्रेशर डालने पड़ेगा मुश्किल होता है सोलबी से मिलना जो कि हमारे ऊपर प्रेशर डाल सके हम ट्राई क्यों नहीं करते ट्राई करने से हमें लगेगी थोड़ी बुलिन बोलते गुयो तुम भी ट्राई करना चाहते हो गुई बोलती है मैं जिजी की स्टेटमेंट से पहली बार एग्री करती हूँ जयान भी बोल रही होती है की मैं कैप्टन की बात सुनूंगी जो वो बोलेगा बोलिन बोलते ठीक है गुयु तुम इन चार्ज हो आगे मतलब फ्रंट में जाने के लिए हम धीरे धीरे आएंगे और वेट करेंगे रात का फिर हम करेंगे अटैक क्या सभी तैयार हैं हमें इस ग्रुप को डिफीट करना ही पड़ेगा और अपनी विक्ट्री को सिक्योर करना होगा फिर तो रात हो जाती है ऐसे गुयु बैठी होती है बोलिन बोलता है की गुयु क्या तुमने कुछ फाइंड किया गुयु बोलती है की एक और टीम है जो की फ्लेम लाइन के ऊपर अटैक करने की सोच रहे हैं वो शायद अब स्टार्ट कर दे अटैक करना बोलिन बोलता है की तुम सब यहाँ पे वेट करो मैं जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ से चल पड़ता है और पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और आगे की तरफ देख रहा होता है वहाँ पे काफी लाइंस मरे होते हैं है है एक फ्लेम लाइन को मार दिया है।, है, है।, है।, है और जो थर्ड सॉल रिंग है दो की वो पर्पल है ऐसा लग रहा है की एक एलीट टीम है डोंगा अकेडमी की हरानी की बात नहीं की इनकी इतनी हिम्मत है की इतने ज्यादा फ्लेम लाइन से ये है ऑन फाइट कर रहे है अगर ऐसी बात हो चलो मैं देखता हूँ की फाइट कैसे करेंगे इन बीस्ट के साथ वुलिन ऐसे आगे की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि टोटल में सिक्सटीन फ्लेम लाइन है इस ग्रुप में उसको इंक्लूड करके जो मर गया फ्लेम लाइन में भी जो चार है, वो ईयर मतलब ओल्ड है, है, हम है हमें दिखाई देता है उस टीम को घेरी लिया होता है एक इंसान फिर टाइप को यूज कर रहा होता है को सोच रहा होता है अगर हम इस फ्लेम लाइन के ग्रुप को है फाइट करेंगे तो हमारे पास कोई भी चांस नहीं होगा जीतने का ज्यादा अच्छा होगा अगर हम वेट करें ताकि ये जो ग्रुप है अभी जो इनसे फाइट कर रहा है ये इन्हें थोड़ा कमजोर कर दे बुलिन नीचे आता है जाओयान के पास जिसे बोलते कैप्टन क्या कोई प्लान बनाया तुमने बुलिन बोल रहा होता है हाँ जिस यहाँ पे आओ तुम्हें ये चीज़ करनी है तुम समझ समझियो जो मैं तुम्हें बोला जिसे बोलते कैप्टन तुम्हारा प्लान तो ज्यादा खतरनाक है बुलिन बोल रहे होते है, गुयू जायान तुम समझ गयो ना मेरे प्लान को तो दोनों बोल रहे होते हैं हाँ जो बोलती है तो ठीक है मैं और गुयू एक्ट करते हैं पहले बुलिन बोल रहा होता है हमें अभी वेट करेंगे और अटैक करेंगे जब हमारे पास कोई ओपनिंग होगी जायान बुलि नहीं बोल रहा होता है वो चीज़ बुलंद बोल रहा सात लोग आए थे इनकी टीम में मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था अब सिर्फ तीन ही बचे हुए हैं और उनमें से एक काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया है अगर मेरा गैस पूरी तरीके से सही है ये तो ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे उस टीम में से जो एक लड़की होती है वो बोल रही होती है कौन कौन मैं ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाऊंगी बोल रहा होता है की हमारे पास मतलब हमारे जो लक है वो बहुत ज्यादा गंदा है की इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेम लाइन से हमारी फाइट हो गई जल्दी जैसे हम एंट्र किए तुम भागो मैं रास्ता बनाऊंगा तुम्हारे लिए वो लड़की बोल रही होती है पर तुम्हारा क्या होगा कौन बोल रहा होता है मैं ट्राई करूंगा क्या एक से ज्यादा लाइन को मारने के लिए अपने ग्रुप को एक तरीके से अवेंज करने के लिए तो जैसे वो फीमेल मास्टर चली गई तो उस यंग मैन के अलावा एक और इंसान था जो वो मास्टर था मतलब स्पीड टाइप स्पिर्ट मास्टर था वो बहुत ज़्यादा पतला और फ्लेक्सीबल इंसान था तभी जो फ्लेम लाइन थे वो उनके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं वो इंसान बोलता है स्पीड वाला की ब्रदर कौन ध्यान से कौन बोलता है चिंता मत करो मेरे बारे में तुम अपना ध्यान रखो वो जो फ्लेम लाइन होता है वो पेड़ से अपने आप को स्पीड वाले मार्शल आर्टिस्ट की तरफ उछालता है कौन बोलता है कि नहीं इसने डायरेक्शन चेंज कर ली तुम्हारी तरफ जल्दी डिस्ट्रेस सिग्नल को दबाओ वो जो फ्लेम लाइन होता है वो उसे खाने लग पड़ता है पर जो स्पीड वाला मार्शल आर्टिस्ट होता है वो अपने डिस्ट्रेस सिग्नल को दबा लेता है पता तो ही होगा इससे बाहर निकलते हैं एकदम से ही याद होगा अगर तो सिर्फ कु बचा होता है वो जो फ्लेम लाइन होता है, है वो कुन की तरफ हटाया करने के लिए आ रहा होता है वोिन बोलता है अब टाइम है चलो चलते हैं कुन बोलता है की आओ फाइट करो मेरे साथ तभी वो हैरानी से आगे तब देख रहा होता है क्योंकि वुलिन ने अपनी स्पीड ग्रास से उस लाइन को बांध दिया होता है और साथ में गुई अपने आइस पैक्स को यूज करती है कौन बोलता है क्या ये क्या हो रहा है एकदम से

कौन सोच रहा होता है ये कौन है इसने जो फ्लेम लाइन्स का किंग था उसे अपने हाथ से मार दिया कुन बोलीन की तरफ देख के बोल रहा होता है कि तुम कौन हो फिर तभी जो लाइन्स होते हैं वो बहुत जोर से रोर करते हैं कुन बोलते कि नहीं ये बाकी बीस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आस के तभी गुयू अपने स्नो टोर्डो को यूज करती है और जितने भी लाइन्स होते हैं उन्हें उड़ा देती है कुन बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है वो गुयू की तरफ देखता है तभी गुयू अपना एक और अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है वो अपने स्नो एलिमेंट को यूज कर रही होती है उसने एक स्नो का बॉल ही क्रिएट कर दिया होता है और उसे आगे की तरफ शूट कर देती है

मैच को देख रही होती वो बोलती क्या हुआ पिक्चर ऐसे ब्लैंक कैसे होगी क्या कुछ कैप्टन को हुआ जाता है बाकी लोग बोल रहे थे मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है मेरे पीछे कोई चीज है पर मैं रिएक्ट नहीं कर पाया शायद एक और पावरफुल साउथ बीस्ट आ गया था और उसने मेरे को अटैक कर दिया पर अभी मैटर नहीं करता है मैंने कुछ फ्लेम लाइन को खत्म कर ही दिया था मैंने तुम सभी को अवेंज कर दिया है आपको नेक्स्ट देखना है वेट करो तब तक लिए बाय